अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली अब भैया की जॉब अनाउंस हो गई है। इनकी लास्ट डेट 24 अगस्त 2022 है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अब भैया की साइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पर अपना ई मेल पासवर्ड और ये वेरीफिकेशन कोड इंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने नेम इंटर कर लेना है, फादर नेम इंटर कर लेना है, CNIC इंटर करना है, CNIC आपने विदाउट डैशेज इंटर करना है, देन मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने अपना ई मेल कर लेना है, पासवर्ड कर लेना है, देन कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है और वेरीफिकेशन कोड ये लिखा हुआ यहाँ पर एज इट इज़ नीचे लिख देना है। याद रखें, अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपका जो CNIC है, जब आप वो इंटर करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपने सिर्फ लॉगिन कर लेना है उस टाइम। तो मैंने क्योंकि पहले अकाउंट बनाया हुआ तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन के लिए मैं अपना ईमेल इंटर कर लेता हूँ। ईमेल मैंने इंटर कर लिया है। इसके बाद मैं अपना पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं जो ऊपर वैलिडेशन कोड लिखा हुआ है उसको आज चीज़ नीचे लिख लेता हूँ। ये आपने ध्यान रखना है कि जो आप स्मॉल लेटर है उनको स्मॉल लिखना है और जो कैपिटल लेटर है उनको अपने कैपिटल ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ KCCLVB। इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आके लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यह हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हमने ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला टैब बेसिक इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट पे, तो उस पर सबसे पहले आपने यहाँ पे CNIC इंटर कर लेना है। यहाँ पे मेरा CNIC इंटर किया हुआ है। यहाँ पे आपने अपना नाम इंटर कर लेना है। यहाँ पे फादर नेम, नाम और फादर नेम आपने वो वाला इंटर करना है जो आपके ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल जो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम इंटर किया हुआ था। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लेना है। इनके नीचे आपकी अदर इंफॉर्मेशन आ गई जिसमें आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर जो भी आपका मेल फीमेल। उसके बाद आपने रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, वो आपने कर लेना है। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर ले सकते हैं, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एज रिलैक्सेशन आ जाएगी। अगर आपको एज रिलैक्सेशन क्लेम करनी है तो यहाँ से नीचे किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ नो क्लेम पे क्लिक कर लें। इसके बाद डिजेबिलिटी आ जाती है। इसके लिए आप सिर्फ डिजेबल हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकें और अगर आप नहीं है तो नॉट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस्लामाबाद किया हुआ है। आप जिस एरिए में आप जहाँ पर आपके लिए ईजी है वहाँ पर कर लें। उसके बाद आपने फिज़िकल टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस पे आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। मेरा KPK है तो मैंने KPK सेलेक्ट किया हुआ है। देन आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट मेरा एबटाबाद है आपका जो भी है वो कर लेना है। उसके बाद अपने एड्रेस जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है और यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस ID कार्ड की बैक साइड पर लिखा होता है वो वाला आपने इंटर कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जो आपका पुलिस स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट है वो आपने इंटर कर लेना है। मेरा एबटाबाद है तो मैं एबटाबाद इंटर कर लेता हूँ और पुलिस स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो एड्रेस है आपने वहाँ यहाँ पे वो इंटर कर लेना है। तो मैंने रेंडमली यहाँ पर इंटर किया हुआ अभी। इसके बाद यहाँ पर जो आपको टिक नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद लास्ट पर आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जब आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। देन नेक्स्ट आपने अपलोड प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। अपलोड प्रोफाइल पिक्चर मैंने ऑलरेडी की हुई है। यहाँ पे आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। अब चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आप जहाँ से जिस ऑप्शन से या फाइल से आप करना चाहें वो वाली आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास पिक्चर ये वाली आ जाएगी और उसके बाद आपने नीचे अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपके नीचे आ जाएगा पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपकी पिक्चर में कोई इशू है। इसका साइज़ 30 KB से लेस होना चाहिए। अगर लेस नहीं है तो आपने इसको ऑनलाइन रिड्यूस कर लेना है और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू या वाइट होना चाहिए। देन जब आप पिक्चर अपलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशन आ जाएगी। एजुकेशन में आपने सबसे पहले अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर आपने प्राइमरी के लिए सेलेक्ट कर लेना है।
नहीं तो अगर उससे आप ऑनवर्ड कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक कर लेना है, फर्स्ट आपने मैट्रिक करनी है वो ऐड हो जाएगी, फिर आपने इंटर करनी है वो ऐड हो जाएगी, फिर बैचलर कर लेनी है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक पहले की है, यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, यहाँ पर फील्ड ऑफ एजुकेशन जो भी आपकी है मेरी साइंस है, देन आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी कर लेना है, मेरा फेडरल बोर्ड है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था आपने वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, रेंडमली कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने ओबटेन मार्क्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने जो मार्क्स लिए थे वो लिख लेने हैं और टोटल मार्क्स जो आपके हैं आपने वो लिख लेने हैं। उसके बाद आपने डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है और मेजर सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये करने बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। इस तरह आप मेरी अभी मैट्रिक भी इंटर हो गई है, इंटरमीडिएट भी इंटर हो गई है, तो आपने बैचलर भी कर लेनी है। उसके बाद आप लास्ट ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद आपके पास ये सारी पोस्ट नज़र आ रही होंगी, तो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उस पोस्ट पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं UDC भी करता हूँ, तो इस टिक पर क्लिक कर लेता हूँ। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यू आर अप्लाइड फॉर पोस्ट UDC, यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर लूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएंगी जो इसके लिए मैंने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए अप्लाई हो जाएगा और ये वाली पोस्ट आपको नीचे शो हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।